हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 11.4 इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न हाउ टू फॉर्म द एक्सप्रेशंस इन वर्ड प्रॉब्लम्स कि वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें कैसे एक्सप्रेशन फॉर्म करना है इन द लास्ट एक्सरसाइज 11.3 वी हैव लर्न हाउ टू फॉर्म द एक्सप्रेशंस इन गिवन स्टेटमेंट्स ये छोटी छोटी आपको स्टेटमेंट्स दी हुई थी तो आपने इनमें एक्सप्रेशन फॉर्म किया था नाउ आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं तो उसमें हम कैसे करेंगे नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स कि अगर हम सरिता की एज वाई ईयर्स ले लेते हैं तो वट विल बी हर एज फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ कि फ्रॉम नाउ यानी अब से पाँच साल बाद उसकी एज क्या होगी तो उसकी एज जो होगी क्या होगी वाई प्लस फाइव ईयर्स क्योंकि अब आपकी जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम कि अगर आपकी अब की एज प्रजेंट एज मीन्स आपकी क्या है सेवन ईयर्स है मान लो हम यहाँ पे सेवन ईयर्स दिया हुआ है तो फाइव ईयर्स के बाद कितनी एज होगी तो सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व करेंगे तो सेम वे हमने यहाँ पे y प्लस फाइव कर दिया है नाउ वट वॉज हर एज थ्री ईयर्स बैक तो थ्री ईयर्स बैक उसकी जो एज है वो क्या होगी थ्री ईयर्स बैक मतलब तीन साल पहले तो अब जैसे अगर यहाँ पे सेवन ईयर्स थी तो तीन साल पहले माइनस थ्री करके निकालेंगे हम तो सेवन माइनस थ्री आपका फोर ईयर्स बन जाएगा बट हमें यहाँ सेवन नहीं दिया हुआ है यहाँ वाई दिया हुआ है तो वाई माइनस थ्री तो तीन साल पहले की एज हम क्या निकालेंगे वाई माइनस थ्री ईयर्स नाउ सरिताज ग्रैंड फादर अब जो सरिता के ग्रैंड फादर है इस सिक्स टाइम्स हर एज कि उसके ग्रैंड फादर सिक्स टाइम्स हर एज है वट इज द एज ऑफ ग्रैंड फादर सिक्स टाइम्स हर एज हर एज एक्स वाई है तो सिक्स टाइम्स टाइम्स का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि मल्टीप्लाई होता है यानी सिक्स मल्टीप्लाई वाई तो उसके ग्रैंड की जो एज होगी वो क्या होगी सिक्स वाई ईयर्स हो गया इसको हम ब्रैकेट में रख के ईयर्स लिखेंगे नौ अब ग्रैंड मदर इज़ टू ईयर्स यंगर देन ग्रैंड फादर अब ग्रैंड मदर जो है वो टू ईयर्स यंगर यानी टू ईयर्स छोटी हैं ग्रैंड फादर से तो ग्रैंडफादर की जो भी एज है हम उसमें से टू माइनस कर देंगे तो ग्रैंड मदर की एज आ जाएगी अब ग्रैंडफादर की जो एज है वो है सिक्स वाई तो सिक्स वाई में से हम टू माइनस कर देंगे तो सिक्स वाई माइनस टू जो है वो आपकी किसकी एज आ गई ग्रैंड मदर की क्योंकि टू ईयर्स छोटी है ग्रैंड फादर से तो टू कम कर देंगे यानी माइनस कर देंगे तो ग्रैंड फादर की एज हमने यहाँ पे निकाली थी सिक्स वाई है नाउ सरिता फादर्स एज इज फाइव ईयर्स मोर देन अब फाइव ईयर्स सरिता के जो फादर की एज है फाइव ईयर्स मोर फाइव ईयर्स मोर है तो मतलब प्लस फाइव करके ही हम निकालेंगे अब मोर किससे है देन थ्री टाइम्स सरिताज एज थ्री टाइम्स यानी थ्री मल्टीप्लाई सरिता एज तो थ्री मल्टीप्लाई सरिता एज क्योंकि थ्री और सरिता की एज वाई थी तो थ्री वाई हो गया तो ये आपका क्या आ जाएगा थ्री वाई प्लस फाइव ईयर्स तो इस तरह आपने एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है कि जैसे इन्होंने कहा है कि फाइव इर्स मोर मीन आप मीन्स आपने प्लस फाइव कर दिया अब थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स मतलब थ्री मल्टीप्लाई तो थ्री मल्टीप्लाई सरिता एज तो सरिता की एज वाई थी तो थ्री वाई हो गया तो अगर आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ोगे तो ये एक्सप्रेशन आपके इजिली फॉर्म हो जाएंगे अदरवाइज आपके कभी आपको समझ नहीं आएंगे ये इसलिए प्लीज बेटा ये चैप्टर ध्यान से कर लो क्योंकि ये बेसिक है आपका अदरवाइज सिक्स सेवन्थ एट में आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी नाउ नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज फोर मीटर्स लेस कि लेंथ जो है वो अब आपकी फोर मीटर्स लेस है फोर मीटर्स लेस है तो आप सीधा सा क्या करोगे लेंथ लेंथ इज फोर मीटर लेस तो लेंथ को आपने फोर मीटर लेस लेना है यानी माइनस फोर कर देना है तो आपने क्या करना है कि लेंथ को फाइव मीटर्स लेस कर देना है तो आपने क्या किया यहाँ पे कि लेंथ इज इक्वल टू फोर मीटर लेस यानी फोर मीटर लेस कर दिया अब थ्री टाइम्स द ब्रेथ अब हमें ब्रेथ तो मालूम ही नहीं है क्या है तो सबसे पहले हम ब्रेथ ऑफ द हॉल ले लेंगे बी मीटर्स क्योंकि ब्रेथ तो को कुछ लेंगे हमें पता होगा तभी हम उसको थ्री टाइम्स करेंगे तो ब्रेथ को हमने क्या ले लिया बी मीटर्स ले लिया तो थ्री टाइम्स द ब्रेथ यानी थ्री बी तो ये हमारी लेंथ आ गई तो ब्रेथ हमने क्या है? है, मानी है बी मानी है तो लेंथ कितनी आ गई थ्री बी माइनस फोर तो अगेन फोर मीटर्स लेस फोर मीटर्स लेस मतलब माइनस फोर थ्री टाइम्स द ब्रेथ यानी थ्री मल्टीप्लाई ब्रेथ तो ब्रेथ हमारी बी थी तो थ्री मल्टीप्लाई ब्रेथ तो ये आपकी लेंथ आ गई तो दिस इज योर आंसर लेंथ ऑफ कितनी है थ्री बी प्लस फोर सॉरी माइनस फोर आएगा यहां पर माइनस फोर कर लीजिएगा नेक्स्ट आपका क्या है अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट एच सेंटीमीटर कि आपका एच सेंटीमीटर है इट्स लेंथ इज फाइव टाइम्स द हाइट अब आप देखो इसकी अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एस हाइट एच अब हाइट एच ले लिया इन्होंने अगेन हम इसको ऐसे ही करेंगे कि हाइट जो है वो कितनी है एच सेंटीमीटर है अब लेंथ जो है वो आपने कितनी लेनी है लेंथ इज फाइव टाइम्स तो लेंथ आपने क्या लेनी है फाइव टाइम्स द हाइट फाइव टाइम्स द हाइट यानी फाइव एच होगी क्योंकि हाइट आपने एच ही ली है एंड ब्रेथ इज यानी ब्रेथ क्या लेनी है आपने ब्रेथिज टेन सेंटीमीटर लेस 10 सेंटीमीटर लेस ले ली और किससे लेस लेनी है लेस देन लेंथ तो लेंथ कितनी है आपकी 5h तो आपकी कितनी आ गई 5h 10 तो आपका क्या आ गया हाइट आपको ऑलरेडी h दी थी लेंथ आपको क्या दी है 5 त, आ, ये 5 टाइम्स द हाइट यानी 5 हाइट तो 5 हाइट और ब्रेथ क्या दी है 10 सेंटीमीटर लेस तो 10 सेंटीमीटर लेस मतलब 10 माइनस कर दिया और आपने लेस देन द लेंथ तो लेंथ आपकी क्या थी फाइव एच अपना नेक्स्ट पार्ट मीना बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप मीना इज एट स्टेप एस ये तीनों जो हैं एक हिल पे चढ़ रही हैं तो मीना जो है एट स्टेप्स स्टेप्स मतलब कदम होते हैं कदम आप चढ़ रहे हो तो वो कौन से नंबर के कदम पे है एस स्टेप पे है मान लो तो मीना इज एट स्टेप एस गया आपका अब बीना इज एट स्टेप अहेड बीना मतलब एट स्टेप आगे है अहेड मतलब आगे है तो यानी एट स्टेप्स उसने ज्यादा कवर कर लिए ज़्यादा चली है तो इसका मतलब बीना का steps कितने हो जाएंगे एस प्लस एट अब लीना जो है सेवन स्टेप्स बिहाइंड है बिहाइंड मतलब पीछे है तो उसने सेवन स्टेप्स कम कवर किए हैं तो आप क्या करोगे एस माइनस सेवन करके उसके निकाल दोगे क्योंकि बीना से पीछे है तो बीना के स्टेप्स में से आपने सेवन कम कर दिए क्योंकि सेवन स्टेप्स पीछे है वो तो मीना के स्टेप्स में से आपने सेवन कम कर दिए अब ये आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि वेर एंड मीना बीना एंड मीना तो आपने बता दिया बीना एंड मीना कहाँ है द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू दिल टॉप इज अब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल इज इक्वल टू क्या है अब ध्यान से पढ़ना आप कि टोटल टेन लेस टेन लेस मतलब आपने टेन लेस कर दिया माइनस टेन फोर टाइम्स वट मीना हैज रीच्ड तो फोर टाइम्स यानी फोर मल्टीप्लाई मीना तो फोर मल्टीप्लाई मीना के क्योंकि स्टेप्स आपके एस थे तो फोर एस आ गया तो फोर एस माइनस टेन जो है ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए आपके तो इसको भी अगेन बेटा प्लीज ध्यान से पढ़ना कि टेन लेस मतलब माइनस टेन और फोर टाइम्स यानी फोर मल्टीप्लाई वट मीना हैज है तो फोर एस आ जाएगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बस ट्रेवल्स एट वी किलोमीटर पर आर ठीक है तो बस ट्रेवल्स वी किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में वो वी किलोमीटर चलती है तो इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू तो बिसपुर दासपुर से बिस्पुर जा रही है वो बस आफ्टर द बस हैज ट्रैवल्ड फाइव आवर्स तो फाइव आवर्स चलने के बाद बिसपुर इज़ स्टिल ट्वेंटी किलोमीटर्स अभी कि पाँच घंटे बस चलती है फिर भी जो बिस्पुर है वो ट्वेंटी किलोमीटर्स दूर रह जाता है तो वट इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दासपुर टू बिसपुर तो अब सबसे पहले हमारा देखेंगे कि ए, एक घंटे में पा, वी किलोमीटर वो चलती है तो फाइव आवर्स में वो कितना ट्रैवल करेगी डिस्टेंस फाइव वी करेगी यानी फाइव मल्टीप्लाई वी और अभी भी जो है दिसपुर फाइव ट्वेंटी किलोमीटर अवे है तो इसका मतलब प्लस ट्वेंटी तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया जितना उसने कवर कर लिया यानी फाइव वी उसने कवर किया है फाइव आवर्स में प्लस जो अभी भी रह गया प्लस ट्वेंटी तो डिस्टेंस बिटवीन दासपुर एंड बिसपुर जो है वो क्या है दासपुर एंड बिस्पुर कितना है आपका फाइव वी प्लस ट्वेंटी ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चेंज द फोलविंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशन तो आपने ये बनाना है अन नोटबुक कॉस्ट कोस्ट पी अब आपकी एक नोटबुक आपकी पी रुपीज़ की आती है तो अब बुक कोस्ट थ्री पी तो अब आपने इसको थ्री पी को एक्सप्रेशन को कैसे लिखना है तो देखो सेम चीज हम लिखेंगे बस आपने ध्यान से पढ़ना है अब बुक कॉस्ट रुपीज अब बुक कॉस्ट ये देखो थ्री पी का मतलब क्या है थ्री मल्टीप्लाई पी और मल्टीप्लाई को हम टाइम्स भी लिख सकते हैं मैंने बताया तो थ्री टाइम्स तो हमने थ्री टाइम्स लिख दिया क्योंकि यह मल्टीप्लाई का साइन है और पी क्या है कॉस्ट ऑफ नोटबुक है तो थ्री टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक तो पी की जो हमने क्या लिख दिया कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्योंकि पी आपको क्या दे रखा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक दे रहा तो सेम इसी चीज़ को हमने दोबारा से लिख देना है बस इस चीज़ को ध्यान से करना है कि थ्री टाइम्स पी की जगह हमने क्या लिख दिया कॉस्ट ऑफ नोटबुक नाउ टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल कि टोनी ने जो है क्यू मार्बल्स टेबल पे रख दिया है ही हैज़ एट क्यू मार्बल्स ऑन इन हिज बॉक्स तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे टोनी हैज़ एट टाइम्स टोनी हैज़ एट टाइम्स अब क्यू की जगह हम ये लिख देंगे कि क्यू क्या है टोनी के जो मार्बल्स हैं ऑन द टेबल वो वाले हैं तो हम क्यू की जगह क्या, क्या लिखेंगे द नंबर ऑफ मार्बल्स पुट ऑन द टेबल तो टोनी हैज एट टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स पुट ऑन द टेबल इन हिज बॉक्स नाउ सी पार्ट अ क्लास हैज एन स्टूडेंट्स की हमारी क्लास में एन स्टूडेंट्स हैं द स्कूल हैज़ ट्वेंटी एन स्टूडेंट्स की अ क्लास हमारे क्लास में एन स्टूडेंट्स हैं तो स्कूल में कितने हैं ट्वेंटी एन तो क्या लिखेंगे द स्कूल हैज ट्वेंटी टाइम्स एन की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इन अर क्लास क्योंकि स्टूडेंट्स इन आर क्लास को ही एन लिया हुआ है तो क्या लिखेंगे द स्कूल हैज ट्वेंटी टाइम्स द स्टूडेंट्स इन आर क्लास नाउ जग्गू इज़ टू ईर्स ओल्ड जग्गू जो है टू ईयर्स ओल्ड है और हिज अंकल इज़ फोर जेड ईयर्स ओल्ड तो फोर जेड सॉरी ये जेड है आपका टू नहीं है जेड ईयर्स ओल्ड है तो जग्गू अंकल जो, uh, जो है फोर जेड है तो अब आप क्या लिखोगे फोर जेड मतलब फोर इन टू जेड तो हिज अंकल यानी जग्गूज अंकल इज फोर टाइम्स जग्गूस एज यानी हिज एज तो जगूज अंकल्स एज इज फोर टाइम्स हिज एज एंड हिज आंट इज तो हिज आंट्स एज इज तो ये फोर जेड यानी आपकी इसमें से क्या लेस हो रखा है थ्री लेस हो रखा है तो फोर जेड क्या है अंकल की एज है तो थ्री लेस हो रखा है तो so, आंट्स aun की जो एज होगी थ्री लेस देन इसको क्या बोलेंगे ंकल्स एज तो थ्री लेस देन हीज अंकल्स एज तो इसको बड़े ध्यान से बनाना है कि आपने पहले थ्री ईयर्स लेस कर दिया फिर फोर जेड की जगह आप क्या लिख सकते हो अंकल की एज क्योंकि अंकल की एज को ही फोर जेड इन्होंने लिया हुआ है यहाँ पे ना इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स दे आर आर रोज अब आपके आर रोज हैं मतलब हमें नहीं मालूम कितनी रोज बनाई हुई हैं उन्होंने तो आर रोज है ईच रो हैज फाइव डोट्स और हर एक रो में आपके फ़ाइव डॉट्स हैं मान लो आपने एक ऐसे फाइव डॉट्स बना दिए एक रो में अब हमें नहीं मालूम कितनी रोज़ बनी हुई है तो अगर हम टोटल मान लो डॉट्स बनाएंगे तो कैसे आएंगे मान लो अगर हमारे पास सेवन रोज़ हैं ऐसे तो सेवन रोज में आपके हर एक में फ़ाइव है तो सेवन इंटू फाइव आपके थर्टी फाइव डोट्स हो जाएंगे तो टोटल तो डॉट्स जो हैं आपके मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे तो अब हमने डॉट्स आपके फाइव हैं हर एक में और आर रोज़ लिए तो फ़ाइव टाइम्स द नंबर ऑफ़ रोज़ तो टोटल डोर्स क्या हो जाएंगे फाइव टाइम्स द नंबर ऑफ रोज थैंक यू